हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 25 और 26 कवर करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट का। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट, सेक्शन 23 एंड 24 नहीं है, ठीक है, इसलिए हम सेक्शन 25 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट मर्डरर डिस्क्वालिफाइड, पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अबेट्स द कमीशन ऑफ मर्डर शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर्ड और एनी अदर प्रॉपर्टी इन फर्दरेंस ऑफ द सक्सेशन टू विच ही और शी कमिटेड और अबेटेड द कमीशन ऑफ द मर्डर। सीधी सी बात है, वो पर्सन डिसक्वालिफाई हो जाएगा जो मर्डर कर रहा है, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी इंटेस्टेट की। फॉर एग्जाम्पल फादर, ठीक है, सपोज सन, सन एक और सन ले लेते हैं S1, S2, S3, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी इसकी थी, ठीक है, इसने क्या, इसको मार दिया, ठीक है, अब जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको नहीं मिलेगी क्योंकि इसने मर्डर किया। या अगर ये अपेट भी करता है मर्डर के लिए, ये प्रॉपर्टी लेने के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोला है वो देखते हैं। कह रहे हैं पर्सन जो कमिट करता है मर्डर या अबेट करता है वो डिसक्वालिफाइड होगा, शैल किस चीज़ के लिए, फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर, जिसकी जिसको तू मार रहा है ना उसकी प्रॉपर्टी अब तेरे को नहीं मिलेगी, और एनी अदर प्रॉपर्टी इन फर्दरेंस ऑफ द सक्सेशन टू विच ही और शी कमिटेड द मर्डर या अबेटेड द कमीशन। इसका मतलब कि इन फर्दरेंस ऑफ द सक्सेशन टू विच ही और शी कमिटेड, मतलब फादर था फादर, सन, इसका सन, इसका सन, सपोज अब ये क्या है, ये इसको मार रहा है क्यों, या ये इसको मार रहा है क्यों, इसके बाद प्रॉपर्टी डायरेक्ट इसको आएगी, तो इसके बाद भी इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी भाई इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन की। तू आगे प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में बीच वाले को मार रहा है भाई, या इसको मार रहा है कि इसके बाद तेरे को प्रॉपर्टी डायरेक्ट मिल जाए। देखो दोबारा बताती हूँ, जैसे कि फादर, सन और सन, ठीक है, अब ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी, पर ये क्या है, इसको ना मारकर इसको मार देता है तो भी इसको नहीं मिलेगी भाई। प्रॉपर्टी तेरे को मिलनी थी, उसके लिए तूने अगर किसी को मारा है इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन के तौर पे या अबेट किया है उसका मर्डर, तो तेरे को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, यू शैल बी डिसक्वालिफाइड, ठीक है। हम अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 26। सेक्शन 26 बात करता है, तो सेक्शन 25 हो गया मर्डरर डिसक्वालिफाइड, अब सेक्शन 26 बात करता है कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिसक्वालिफाइड। इसका मतलब देखते हैं, वेयर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के बाद हिंदू हैड सीज्ड और सीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है या अपने आप को किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करवा दिया है, चिल्ड्रन बोर्न टू हिम और हर आफ्टर सच कन्वर्जन, जो भी बच्चे अब उसको मिल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं जो भी उसके बच्चे कन्वर्जन के बाद, एंड देयर डिसेंडेंट्स, जो भी उनके फर्दर डिसेंडेंट्स हैं आगे की जितनी भी पीढ़ियां हैं, शैल बी डिसक्वालिफाइड, वो सारे डिसक्वालिफाइड हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए ऑफ एनी ऑफ देयर हिंदू रिलेटिव्स, अनलेस पर सच चिल्ड्रन या डिसेंडेंट्स अगर वो हिंदू हैं वेन द सक्सेशन ओपन्स तो ठीक है, वरना वो सारे डिसक्वालिफाइड हैं। जैसे कि ये फादर, ठीक है, ये इसके बच्चे, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो गई, हाफ एंड हाफ इसने कन्वर्ट करवा लिया, इसके फर्दर बच्चे थे S1, S2, S3, S4 ऐसे करके, या इनके आगे फर्दर लगाते रहो, ठीक है। अब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये कन्वर्ट करवा चुका है, अब कन्वर्जन करवाने के बाद क्या हुआ, अब जो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब इसकी डेथ हो गई, अब इसकी प्रॉपर्टी इस इनमें नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, ये कन्वर्ट हो चुका है और सेक्शन में लिखा है अगर ये कन्वर्ट हो जाता है, जो भी बच्चे इसको बॉर्न हो रहे हैं कन्वर्जन के बाद या इनके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो सारे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। सेक्शन दोबारा देखते हैं,
where before or after the commencement of this act, a Hindu has ceased or ceases to be a Hindu by conversion to another religion, दूसरे religion में उसने convert करवा लिया है, children born to him या her conversion के बाद, या जितने भी descendants हैं, वो disqualify हो जाएंगे property inherit करने से, unless such children या descendants are Hindus at the time when succession opens. But अगर वो succession के time पे Hindus हैं, मतलब उस बंदे ने जो उसका बच्चा था, जो convert हो चुके हैं, अगर suppose वो reconvert होकर Hindu हो जाता है, और उस टाइम पे सक्सेशन हो रही है, तो ठीक है, तू हिंदू है, तेरे को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है. वरना वो बंदे क्या होते हैं, वो पर्सन्स डिसक्वालीफाई माने जाते हैं, ठीक है. इस वीडियो में इतना ही. इसमें हमने सेक्शन 25 और 26 कवर किया. नेक्स्ट वीडियो में 27 और 28 कवर करेंगे. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.